कौन कहता है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आना चाहते। मुंबई जैसे शहर में ऊंचे पदों पर बैठे डॉक्टर, इंजीनियर और मैनेजर नेता बनने के लिए लाइन लगा रहे हैं। जी हाँ, मुंबई 227 नाम की संस्था ने आम लोगों को टिकट देने का फैसला क्या किया, लोग दनादन उनके ऑफिस में पहुंचने लगे। चुने जाने के लिए बस एक छोटा सा इंटरव्यू देना है। चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे चुने जा रहे हैं बीएमसी के भावी उम्मीदवार। सब कुछ ओपन है ना, यहाँ पे तो आप चुन के भी वैसे ही आ रहे हैं। इसके अंदर कभी बीएमसी वालों ने घुसने दिया ही नहीं। पड़गा पास करने के लिए मुझे घर आ रहे हैं। ये इंटरव्यू नौकरी पाने के लिए नहीं हो रहे। इंटरव्यू देने वाले ये कैंडिडेट्स बीएमसी चुनावों में चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए मुंबई 227 संस्था के दफ्तर में इंटरव्यू देने पहुंचे हैं और इनका इंटरव्यू ले रहे हैं टॉप कंपनियों के एचआर हेड। सभी भावी उम्मीदवार जोश और जुनून से लबरेज हैं। यहां आने वाले उम्मीदवारों में सीए, डॉक्टर, पत्रकार, इंटीरियर डिजाइनर, मैनेजमेंट ग्रेजुएट सभी शामिल हैं। बॉम्बे 227 का कंसेप्ट ही नया है। हमारे मुल्क में काफी ऐसी चीजें के ऊपर डिबेट हो रहा है जो 50 सालों में नहीं हुआ। दरअसल बीएमसी चुनावों में मुंबई 227 नाम की संस्था निर्दलीय उम्मीदवार खड़े कर रही है और इस इंटरव्यू के जरिए उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है और बाद में मुंबई 227 चुने गए उम्मीदवारों को ट्रेनिंग भी देगी। जो मोनोपोली चल रही है कोई भी पक्ष की ओर, जो वो खुद नगर सेवक है, खुद वार्ड अध्यक्ष है, वही वापस नगर सेवक बनना चाहता है, वापस वही दलदल में फंसना चाहता है, या उनकी वो नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो भी वापस वो चुनाव लड़के वापस जीतना चाहते हैं, वो मैं किधर न किधर जो मोनोपोली है उसको निकाल देना चाहता हूँ। हालांकि हर उम्मीदवार को अपना चुनावी खर्च खुद उठाना पड़ेगा, साथ ही किसी भी उम्मीदवार को डोनेशन लेने की इजाजत नहीं है। आदित्य मन, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। मुंबई मेट्रो।